दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत में। आप सभी को पता ही है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत है, और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती है। और दोस्तों सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर ऑल जरूर क्लिक करें जिससे आपको मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों आज मैं एक नई सीरीज शुरू कर रहा हूँ श्रम सेवा पोर्टल के अंतर्गत, श्रमिकसेवा.mp.gov.in पोर्टल के अंतर्गत कर्मकार मंडल का जो कार्ड बनता है उसके अंतर्गत। तो दोस्तों इसकी सीरीज आज से पहली सीरीज शुरू हो रही है। तो कर्मकार मंडल का कार्ड दोस्तों जो है कार्ड एक और फायदे अनेक, इस तरह से आप समझ लीजिए। तो इसके अंतर्गत सबसे पहली आज की जो सीरीज है इसमें मैं यही बताने जा रहा हूँ कि कर्मकार मंडल के लिए कौन कौन से श्रमिक या कौन कौन से लोग जो है आवेदन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्ड है दोस्तों जो कैटेगरी में आज बता रहा हूँ। यदि आप इनमें आते हैं तो इसके लिए जरूर अप्लाई करें और अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकें। ठीक है, अच्छा मैं इसके सारे किस तरह से आवेदन करना, आवेदन प्रपत्र जो रहेगा वो भी इस पर PDF रूप में डाउनलोड अपलोड कर दूंगा, इससे आप डाउनलोड कर सकेंगे। तो आज सबसे पहले स्टार्टिंग कर रहे हैं दोस्तों, सीरीज फर्स्ट आज है कर्मकार मंडल की। तो उसमें मैं बता देता हूँ कि क्या क्या इसमें कौन कौन लोग आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों ये जो मध्यप्रदेश शासन का राजपत्र भी निकला हुआ है इसी के आधार पर हम बात करेंगे। तो अनुक्रमांक इधर लिखा है 1, 2, 3, इस तरह से कर्मकारों के प्रवर्ग क्या क्या होंगे। तो दोस्तों पहला होगा पत्थर काटने वाले या पत्थर तोड़ने वाले या पत्थर पीसने वाले, ये लोग कर्मकार मंडल के लिए आवेदन कर सकते हैं। राज मेसन या ईंटों पर रद्दा लगाने वाले बड़े ही कारपेंटर कर सकते हैं आवेदन। पुताई करने वाले पेंटर, फिटर या बारबेंडर, ठीक है। सड़क के पाइप मरम्मत कार्य में लगे प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिक, कुएं खोदने वाले, वेल्डिंग करने वाले मुख्य मजदूर या मजदूर, और दोस्तों स्प्रेमैन या मिक्सरमैन सड़क बनाने में लगे, लकड़ी या पत्थर पैक करने वाले, कुएं में गोद तलछट हटाने वाले गोताखोर, हथौड़ा चलाने वाले, ठीक है, और छप्पर डालने वाले, मिस्त्री, लोहार और लकड़ी चीरने वाले और कालकर, मिश्रण करने वाले, कंक्रीट मिक्सर चलाने वाले सहित, पंप ऑपरेटर, मिक्सर चलाने वाले, रोलर चालक, बड़े यांत्रिक कार्य जैसे भारी मशीनरी, पुल के कार्य आदि में लगे खलासी, चौकीदार, मोजाइक पॉलिश करने वाले, सुरंग कर्मकार, सुरंग बनाने वाले, संगमरमर या कड़प्पा पत्थर कर्मकार, सड़क कर्मकार, चट्टान तोड़ने वाले एवं खनी कर्मकार, ठीक है, और सन निर्माण कार्य से जुड़े मिट्टी का कार्य करने वाले, चूना बनाने की क्रिया में लगा कर्मकार, बाढ़ कटाव रोधी कार्य में लगे कर्मकार, बांध पुल सड़क या किसी भवन सन निर्माण सक्रिया में नियोजन में लगे कोई अन्य प्रवर्ग के कर्मकार, कारखाना अधिनियम 1948 का केंद्रीय अधिनियम 63 के अधीन ईंट बनाने में लगे कर्मकार से विभिन्न कर्मकार, पंडाल सन निर्माण में लगे कर्मकार। तो दोस्तों ये सारे कर्मकार हैं, ये सारी दोस्तों कैटेगरी है। यदि इन कैटेगरी में आप आते हैं तो आप कर्मकार मंडल के कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यही इंग्लिश में भी यहाँ लिखा हुआ दोस्तों, मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, आप देख सकते हैं। अब दोस्तों क्या होगा, इसकी पूरी प्रोसेस और इसका आवेदन पत्र क्या होगा वो मैं आपको इसके अगले वीडियो में बनाकर पोस्ट करूंगा और PDF रूप में भी अपलोड करूंगा, जिससे आप उसका प्रिंट आउट लेकर आराम से फॉर्म भर सकेंगे। और किस तरह से फॉर्म भरना है, कहाँ जमा करना है, ये भी मैं आपके अगले वीडियो में आपको पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो आज से दोस्तों सीरीज शुरू हो गई है जो भवन से निर्माण कर्मकार मंडल के कार्ड की। तो दोस्तों इससे कार्ड एक फायदे अनेक के अंतर्गत ये वीडियो पोस्ट किया है मैंने। इसी तरह दोस्तों मैं आपको हर योजना से अवगत कराते रहूंगा, इसके लिए आप मेरे साथ बने जरूरी है। आपको पता ही है मेरी YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत है, और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। और दोस्तों सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर ऑल जरूर क्लिक करें, और यदि आप शिक्षा से कॉन्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन से कर सकते हैं। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।